कि बॉडी में हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो बॉडी होती है वो डीप होती है, ठीक है, और इसके अलावा उसकी जो प्रोफाइल होती है वो डॉर्सल होती है। लाइक यहाँ पे आपको इसकी जो शेप है वो देखने को मिलेगी। किसी भी फिश को जब हम एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी जो बॉडी होती है उसी की बेस पे डिफरेंशिएट करते हैं। लाइक उसकी फिन शेप किस तरह की है, उसकी बॉडी किस तरह की है, उसकी आईज किस तरह की है, उसका माउथ स्नाउट किस तरह का है, और इसी बेसिस पे ही हम उसको जो है वो डिफरेंशिएट करते हैं अदर स्पीशीज से। आप लोगों को आवाज आ रही है? मुश्किल तो नहीं हो रही? यस मैम, आ रही है। ओके अच्छा, नेक्स्ट इसमें हम ये देखते हैं कि जो इसकी प्रोफाइल होती है वो हमारे पास मोर कनकेव लाइक होती है देन एब्डोमेन। जो इसका एब्डोमेन होता है वो हमारे पास कन्वेक्स शेप का होगा, और जो हमारा अदर जो बॉडी डॉर्सल एरिया है वो हमारे पास कनकेव शेप का होगा, ठीक है। कि वो जो हमारे पास सेंट्रल एरिया होता है जो उसकी बॉडी होती है वो हमारे पास जो है वो बल्ज शेप होती है, एज कम्पेयर टू जो टिप एरिया है, माउथ है या फिर फिन एरिया है, वहां से वो जो है वो स्मॉल होगी, ठीक है, पिंच होगी। और इसके अलावा अगर हम स्नाउट की बात करते हैं तो स्नाउट में हमारे पास ये है कि मोस्टली तौर पे जो जॉज होते हैं वो कॉम्प्रेस जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। स्नाउट बेसिकली हमारे पास जो है वो माउथ से लेके हमारे पास जो फिन तक का एरिया होता है वो हमारे पास स्नाउट कहलाता है। इसके अलावा जब हम इसकी लिप्स की बात करते हैं तो लिप्स जो है वो थिक होते हैं, और इसके अलावा फ्रिंज टाइप जो है वो अंदर से हमारे पास पिंच मौजूद होते हैं, और इसके अलावा जो इनर फोल्ड होता है वो जो है वो डिफरेंट होता है हमारे पास लिप्स से, ठीक है। वो दोनों में जो है वो हमारे पास डिफरेंशिएशन मौजूद होती है। जो अपर लिप है वो थिक होगा और वो थोड़ा सा आउट होता है, और जो इनर फोल्ड होता है, जो इनर हमारे पास लोअर एरिया होता है वो हमारे पास फ्रिंज होता है और वो इनसाइड फोल्ड हुआ हुआ होता है। और इसके अलावा जब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिलरी मौजूद होते हैं, उसमें जस्ट हमारे पास वन पेयर होता है, और वो जो वन पेयर हमारे पास मौजूद होता है वो स्मॉल शेप का होता है, ठीक है। वो हमारे पास पेयर भी स्मॉल होगा जो कि हमारे पास मैक्सिलरी जो है वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा जब हम रोस्टल पेयर की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास सेकंड पेयर होता है वो हमारे पास रोस्टल पेयर मौजूद होता है। एक हमारे पास मैक्सिलरी होगा और एक हमारे पास रोस्टल पेयर मौजूद होगा, लेकिन वो हमारे पास सम टाइम ही मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो जो लेटरल लाइन सिस्टम है वो हमारे पास ओवरऑल फिशेस तमाम में मौजूद होता है, और ये जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है बेसिकली इसी की वजह से जो फिश होती है वो जो हमारे पास पॉन्ड होता है या फिर जो मैरीन या एक्वेटिक इन्वायरमेंट होता है वो उसमें मूव कर सकती है, अपने आप को मेंटेन रखती है। और इसमें हमारे पास जो लेटरल लाइन स्केल्स होते हैं वो हमारे पास 40 to 42 नंबर्स में मौजूद होते हैं। जैसे आपको पता है कि हमारे पास ज्यादातर फिशेज की जो बॉडी होती है वो स्केल टाइप होती है और उस पे स्केल्स मौजूद होते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास मोस्टली तौर पे कलर आ जाता है बॉडी का वो हमारे पास ब्लूइश होता है और ब्राउनिश कलर मौजूद होता है, ठीक है, बैक साइड से। लेकिन जो हमारे पास अदर साइड्स होते हैं या फिर जो लोअर एरिया होता है वो हमारे पास सिल्वरी कलर का मौजूद होता है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे पास 40 to 42 जो है, 40 से हमारे पास 42 जो स्केल्स मौजूद होते हैं उसमें जो है वो रेड कलर का जो है वो मार्क मौजूद होता है, जो कि मोस्टली तौर पे जो हर स्केल होता है उसकी सरफेस पे पाया जाता है। अभी इसमें यहाँ पे आपके पास ये हमारे पास कलर है जिसमें हम देखते हैं कि आउटर एरिया किस तरह से होगा, और जो ग्लो बीनीथ एरिया होता है वो हमारे पास सिल्वरी शेप का देता है। जब हम डिफरेंट स्पीशीज ओवरऑल डिस्कस करते हैं तो हर स्पीशी में ये हमारे पास कलर जो है बॉडी का वो डिफरेंट होगा, और जिसकी वजह से हम डिस्टिंग्विश करते हैं कि ये हमारे पास फिश जो है ये लेबियोरेटा कहलाएगी, ये हमारे पास तिलापिया कहलाएगी, ये हमारे पास कैटला कहलाएगी, एटसेट्रा, ठीक है। उसी की बेसिस पे हम बताते हैं कि ओवरऑल कौन कौन सी फिशेज मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो है वो सिल्वर कार्प, इसमें आपके पास कैटला कैटला मौजूद है। कैटला कैटला में आपके पास जिसको जो है वो जस्ट कैटला का भी नेम देते हैं या फिर थैला का भी नेम देते हैं। आप इसकी शेप में देखें और इसके कलर में और जो रोहू की कलर में डिफरेंट होता है। अच्छा, एक इनका साइंटिफिक नेम है, एक इनका कॉमन नेम है।
तो उसी के बिना पे जब हम साइंटिफिकली कहीं पर राइट करते हैं, या फिर आप पेपर में नोट डाउन करते हैं, या फिर आप किसी बुक में नोट डाउन करते हैं, उसको राइट करते हैं, तो देन आप उसको मोस्टली तौर पर साइंटिफिक नेम से लिखते हैं। लेकिन जब आप कॉमनली कहीं बात कर रहे होते हैं, या फिर आप लोकल लेवल पे मौजूद होते हैं, तो देन आप उसको कॉमन नेम से ही जो है वो कॉल करते हैं। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो कटला कटला, अब मोस्टली तौर पे ये हमारे पास जितनी भी फिशेस हैं, इनका ओरिजिन बेसिकली कहाँ से हुआ था? हमारे पास जो चाइना है वहां से, और इसके अलावा जो इंडिया है वहां से, और उसके बाद फिर ऐसा ऐसा ये जो हमारे पास फिशेस थे, जब इनके प्रोडक्शन को ओवरऑल देखा गया, तो फिर ये ओवरऑल जो है वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में फैल गई। अब इसमें अगर आप देखा जाए तो हमारे पास पाकिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश और बर्मा, ठीक है, थाईलैंड, चाइना, कैम्पुचिया और श्रीलंका। अच्छा, ये हमें जितनी भी फिशेज हैं ज्यादातर जो है वो कहाँ पे देखने को मिलती हैं? ज्यादातर हमारे पास जो एशियन कंट्रीज हैं या जो सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं वहाँ पे देखने को मिलती हैं। देखिए, इसमें एक आपने इनकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इनका आपको नेम जो है वो अच्छे से आना चाहिए, जो उसका साइंटिफिकली नेम है और उसका कॉमन नेम, दोनों ही, दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है। और इसके अलावा अब इसकी जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, लाइक इसमें जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो आपको डायग्राम दिखाई जाएगी कि ये वाली फिश है, इसमें से आपने बताना होगा कि ये फिश कौन सी है, और उसके साथ साथ आपने उसकी जो डिटेल्स हैं वो लिखनी होंगी, ठीक है। और मॉर्फोलॉजिकली करेक्टर से जब अगर आपको कभी डिस्टिंग्विश भी करना पड़े कि ये फिश जो है आपके पास कैटला है या रोहू है या फिर मोरी है, कौन से वाली फिश मौजूद है, तो आप उसी जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं उसी की बेसिस पे उसको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैटला को डिस्कस करते हैं। अब इसमें हमारे पास जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो इलॉन्गेटेड होती है, ठीक है, और जो वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस है वहां से ये कर्वी शेप की होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो इलॉन्गेटेड बॉडी होती है, लेकिन जो हमारे पास वेंट्रल और डॉर्सल सरफेस होंगी वो हमारे पास कर्व भी होंगी, ठीक है, यहाँ से कर्व होगी और ये हमारे पास यहाँ से कर्व होगी। और इसके अलावा हमारे पास जो स्मॉल जो बार्बल्स पेयर मौजूद होता है, और वो हमारे पास मौजूद होंगे अपर जॉ में, और इसी वजह से जो माउथ होता है वो स्मॉल होगा, और इसी स्मॉल माउथ में हमारे पास जॉज मौजूद होते हैं जो कि किसी भी प्रे को अटैक करने के लिए और उसको इंगल्फ करने के लिए हेल्प करते हैं। और इनकी जो बॉडी होती है वो स्केल्ड मौजूद होते हैं, बट माउथ और जो हेड एरिया वहां पे स्केल्स मौजूद नहीं होते हैं। अगर हम बात करते हैं रोहू की, तो वहां पे भी हमने कहा था कि रेड मार्क मौजूद होता है ईच स्केल पे, तो सेम इसी तरह से इनकी बॉडी पे भी ओवरऑल स्केल्स मौजूद होंगे, जस्ट माउथ और हेड एरिया को निकाल के, और जिस पे स्केल्स मौजूद होते हैं वहां पे रेड स्पॉट भी मौजूद होगा, ठीक है। और ये मोस्टली तौर पे हमारे पास जो स्केल जिसमें के रेड स्पॉट मौजूद होंगे ये डॉर्सल साइड पे मौजूद होंगे, ठीक है। और इसमें जो साइड्स हमारे पास अवेलेबल होती हैं, जो डॉर्सल होगी वो हमारे पास होगी ब्लूइश और सिल्वर कलर की, ठीक है। आप लोगों को कोई इश्यू तो नहीं हो रहा? आप लोगों को समझ आ रही है? यस मैम, चलें, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या आपको मुश्किल हो तो आप बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। ओके। अच्छा, नेक्स्ट इसमें हमारे पास है ये मेरीगेल, ठीक है, जिसको हम सिरहीनियस मेरीगेला का भी नाम देते हैं। और इसकी बॉडी को आप देखें कि इसमें हमारे पास कर्वी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं होती एज कम्पेयर टू कैटला के। कैटला में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास जो एरिया है, ठीक है, जो हमारे पास डॉर्सल और वेंट्रल साइड है वो हमारे पास कर्व होती है ज्यादा एज कम्पेयर टू मेरीगेल के। और अगर आप इसकी जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो सेम इसमें भी हमारे पास मोस्टली तौर पे ये पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, बर्मा, थाईलैंड और चाइना, कैम्पुचिया और श्रीलंका में देखने को मिलता है। अच्छा, अगर इसमें आप देखें तो इसमें एक न्यू कंट्री ऐड हुआ है, रशिया, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो सेंट्रल स्टेट है, और ये रशिया इसमें ऐड हुआ है। लेकिन जब हम इसकी कैटला कैटला की बात करते हैं तो ये इसमें भी मौजूद नहीं है, और इसके बाद जब हम बात करते हैं रोहू की तो ये इसमें भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो इसके अलावा बाकी के जो हमारे पास है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन तो वो सेम है।
अच्छा ये मोस्टली तौर पे, अच्छा अब आपने मुझे एक बात क्वेश्चन का आंसर करना है कि ये जो हमारे पास जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारे पास इसी एरिया में मौजूद क्यों है, ये हमारे पास अमेरिका में मौजूद क्यों नहीं है, लाइक अमेरिका हो गया या फिर जो हमारे पास जितने भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज आ गए या सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज आ गए, तो ये वहां पे क्यों नहीं पाई जाती। हर फिश का मैम एक हैबिटेट होता है, और इनका क्योंकि वार्म टेम्परेचर स्पीशीज हैं तो ये ट्रॉपिकल रीजन्स जैसे पाकिस्तान इंडिया वगैरह उनके अकॉर्डिंग ही है। दूसरा जो इसमें सारा इन्वायरमेंट का रोल है, बेसिकली हर फिश हर जगह सर्वाइव नहीं कर सकती। जैसे ट्राउट एक जो है वो कोल्डर रीजन की है, तो वो वही वो मेजर हैबिटेट की वजह से। ठीक है, इसमें मोस्टली तौर पे जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जियोग्राफिकली, वो हमारे पास फिशेस की फीडिंग पर डिपेंड करती है। और अगर हम नॉर्दर्न एशिया की तरफ जाते हैं उसी सीजन में, तो हम ज्यादा जो है वो सर्दी फील करते हैं। और अगर हम उसी दौरान में जस्ट उसी जो एरिया हमारे पास मौजूद होता है तो उसी में रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो मुल्तान में है या फिर आप फैसलाबाद में है, तो वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट होता है, जो फीड होती है, वो इनके लिए ज्यादा सुइटेबल होती है एज कम्पेयर टू कोल्ड एरियाज के। अगर आप यूएसए का देखते हैं, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का देखते हैं, या फिर सेंट्रल जो है वो देखते हैं अमेरिकन कॉन्टिनेंट, या फिर आप नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देखते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट है, वहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, जो कि इन फिशेज को जो है वो ज्यादा सुइटेबल नहीं रहता, ये प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। और अगर ग्रो भी करते हैं तो कम से कम जो है वो इनका ड्यूरेशन होगा, वो ज्यादा देर तक वहां पे सरवाइव नहीं रह सकेंगे। ठीक है, सेम इसी तरह से अगर बॉडी टेम्परेचर राइज करता है, फॉर एग्जाम्पल किसी रेन की सूरत में ह्यूमंस का, तो देन वहां वो सरवाइव नहीं कर पाते। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है इसकी मॉर्फोलॉजी। इसकी जो बॉडी होती है वो हमारे पास जो है वो लॉन्ग होती है और कॉम्प्रेस फॉर्म में होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें जो है वो कर्वी शेप मौजूद नहीं होती, और इसके अलावा जो हेड की विड्थ होती है वो इक्वल होती है, जो कि आईज के बिहाइंड हमारे पास जो एरिया मौजूद होता है हेड का उसके। ठीक है, तो जो इंटीरियर हाफ का हेड होता है, और इसके अलावा जो पोस्टीरियर हाफ जो हेड होता है बिहाइंड द आईज, तो उनकी जो लेंथ होती है वो विड्थ के इक्वल होती है। और इसके अलावा हमारे पास इसमें जो बार्बल स्पेयर होता है स्केल्स का, वो मौजूद होता है। और उसके साथ साथ हमारे पास जो स्केल्स जो है वो मॉडरेट साइज के, जिसको हम लैटरलाइन स्केल्स भी कहते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हमने रहो में डिस्कस किया, उसमें हमारे पास 42 होते हैं। और इसमें अगर हम बात करते हैं मोरी की या मैरीगेला की, तो उसमें हमारे पास 40 से लेके 45 तक होते हैं। और इनकी जो कॉडल फिन होता है वो फोर टाइप होता है, ठीक है, वो स्पाइनी टाइप होता है, और वो अटैक करने की एबिलिटी ज्यादा रखता है। ठीक है, ये आपको जो इसका कॉडल फिन है, ये आपको फोर्क टाइप नजर आ रहा होगा। और इसमें हमारे पास जो कलर होता है बॉडी का वो सिल्वर होता है, और इसके अलावा डार्क ग्रे कलर जो है वो बैक साइड पे मौजूद होता है। ठीक है, जो बैक होगी वो डार्क ग्रे कलर की होगी, और जो अदर बॉडी होगी वो हमारे पास सिल्वरी कलर की होगी। ठीक है, और समटाइम जो है कि कॉपरी भी मौजूद हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस एरिया में मौजूद है। इसके अलावा इसमें हमारे पास पेक्टोरल, वेंट्रल और एनल फिन्स भी मौजूद होते हैं, जो कि हमारे पास टिंज किए जाते हैं ब्लैक कलर से। और इसके अलावा जो इनकी आईज होती हैं वो गोल्डन होती हैं। अच्छा, इसमें अगर आप रोहू को देखें तो रोहू में हमारे पास जो बॉडी थी वो ब्राउनिश कलर की थी। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें बात करते हैं, जो बैक साइड थी वो सिल्वर कलर की थी, और सेम इस तरह से इसकी जो ओवरऑल बॉडी है वो सिल्वर कलर की है, बट जो बैक साइड है वो डार्क ग्रे कलर की है। ठीक है, तो आपने इसको इस तरह से एक दूसरे के साथ कंपेयर करके फिर डिस्कस करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रास कार्प है, जिसको हम जो है वो स्टीनो फरेंज गोर्डन एडिला का भी नाम देते हैं। ठीक है, अब इसकी हम बात करें तो इसका जो नेटिव इन्वायरमेंट है वो हमारे पास जो चाइना है उसका साउथ एरिया भी, उसका सेंट्रल एरिया भी, और साथ साथ उसका नॉर्दर्न एरिया भी आ जाता है। ठीक है,
और इसके अलावा हमारे पास रशिया मौजूद है, और उसके साथ साथ हमारे पास जो यूरोप है वो मौजूद है, और इसके अलावा एशिया का हमारे पास साउथ एरिया है, इसके अलावा साउथ ईस्ट एरिया है, और साथ में अफ्रीका। अच्छा, इससे पहले जो अभी हमने डिस्कस किया था, लाइक हमने रोहू को और कैटला को और मैरीगल को डिस्कस किया था, तो उसमें हमारे पास ज्यादातर सेंट्रल एशियन एरिया आता था, लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो थोड़ा सा जियोग्राफिकल डिफरेंस आ जाता है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू अदर फिशेज के जो अभी हमने डिस्कस किए। और अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें, मॉर्फोलॉजी में मोस्टली तौर पे जो फिश है वो इलॉन्गेट और मॉडरेटली कॉम्प्रेस्ड उसकी बॉडी होती है, ठीक है। ये हमारे पास कॉम्प्रेस्ड शेप की बॉडी है, ज्यादातर फिशेज की कॉम्प्रेस्ड शेप ही है, एक्सेप्ट हमारे पास कैटला की, ठीक है, जिसमें हमने कर्वी शेप ज्यादा डिस्कस की थी। और इसके साथ साथ हमारे पास इसमें जो हेड होता है वो शॉर्ट, और उसमें जो स्नाउट होता है वो राउंडेड होगा और शॉर्ट होगा, लेकिन जो हेड है वो हमारे पास ब्रॉड होगा, ठीक है। और उसमें जो हमारे पास अपर जा है वो स्लाइटली लॉन्गर होता है देन लोअर के, ठीक है। और उसके साथ साथ इसमें जो हमारे पास स्केल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और हमने टू टाइप्स के पढ़े थे, एक हमारे पास जो है वो लैटरल लाइंस की, जैसे एक हमारे पास बारबल्स टाइप थी। अब इसमें जो बारबल्स के टाइप है वो हमारे पास एब्सेंट होते हैं, लेकिन जो टू रोज होते हैं हमारे पास टिप के, जो कि हमारे पास थ्रोट में मौजूद होते हैं, ठीक है। अच्छा, मोस्टली हम फिशीज में पढ़ते हैं कि उसमें टिथ नहीं होते, ठीक है, जो जॉलेस होती हैं उनमें मौजूद नहीं होते जॉस, और कुछ हमारे पास ऐसी हैं जिनमें जॉस वाली होती हैं जिसमें जॉस मौजूद होते हैं, ठीक है, टिथ मौजूद होते हैं, जिनको हम गिनेथास का नाम देते हैं। और इसमें हमारे पास जो मोस्टली तौर पे मौजूद होते हैं वो टिथ जो है वो टू रो की फॉर्म में होंगे, और वो दोनों रो जो हमारे पास टिथ मौजूद होते हैं वो मोस्टली तौर पे यूज होंगे प्रे को अटैक करने के लिए, ठीक है। और इनकी जो बॉडी में हमारे पास स्केल्स होते हैं वो मोस्टली तौर पे मॉडरेट साइज के होते हैं, और जो फिश का अबव एरिया है वो हमारे पास डार्क ग्रे कलर का होता है, जो बैली एरिया है वो हमारे पास जो है वो सिल्वर कलर का होता है। ये देखें, ये हमारे पास अबव एरिया जो कि डार्क जो है वो ब्राउन ग्रेज कलर का देता है, जो हमारे पास बिलो एरिया होता है हमारे पास सिल्वरी कलर कहलाता। और अक्सर जब हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करते हैं तो उसमें ज्यादातर जस्ट आपको फिश ही दी जाती है, ठीक है, कि ये वाली फिश है आपके पास, ये कौन सी फिश है और ये वाली कौन सी फिश है, ये वाली और वो वाली, ये दोनों फिशेस आप उसको उसी बेस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जब आपने उसकी जो मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जो है वो अच्छे तरह से डिस्कस की हो। अच्छा, कुछ में आपको जस्ट पिक्चर्स की फॉर्म में जो है वो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, और कुछ में ऐसा होता है कि जो पिक्चर्स की बिना पे नहीं बल्कि आपको लाइव जो है वो डिस्टिंग्विश करना पड़ता है। अब लाइव में आपको यह है कि स्केल्स क्लियरली नजर आते हैं, लेकिन जब आप पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं तो उसमें आपको जस्ट डायग्राम पे रिलाई करना पड़ता है। नेक्स्ट आपके पास है रेनबो ट्राउट। अब जो रेनबो ट्राउट है इसकी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखें, अच्छा, इसको जो है वो मोस्टली तौर पे फेमस गेम फिश के नाम से भी ओवरऑल जाना जाता है। अब इसकी बॉडी जो है वो बाकी सब फिशेस से डिफरेंट है, और ये मोस्टली तौर पे अभी कोल्ड वाटर में भी रहती है, अभी अरीशा ने भी कहा, क्योंकि अगर हम इसकी जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो जो हमारे पास पाकिस्तान में कोल्ड एरियाज हैं जहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉन्ड्स मौजूद होते हैं वहां पे ये देखने को मिलती है, इसके अलावा जो गर्म इलाके अगर हम कहें पंजाब में तो वहां पे ये आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। और इसमें ये ज्यादातर कोल्ड वाटर इन्वायरमेंट वहां पे होता है, और ये मोस्टली तौर पे हमारे पास जब हम हायर एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं जब आप हाइट की तरफ मूव करेंगे तो वहां पे ये आपको देखने को मिलता है, जैसे जैसे हाइट पे जाते जाते हैं तो वहां पे जो हमारे पास इन्वायरमेंट है वो वार्मर से कूलर की तरफ मूव करता है, और ये ज्यादातर हमारे पास कागान, चित्राल, सवात, और ये हमारे पास मोस्टली तौर पे आ जाते हैं NWFP जो प्रोविंसेस में, और अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो क्वेटा है, और अगर हम पंजाब की बात करें तो मरी है।
ठीक है, वहां पे हमें देखने को मिलती है। और इवन अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो उसमें मोस्टली तौर पे जो हमारे पास इन्वायरमेंट होता है वो मोस्टली तौर पे कोल्ड ही होता है, ठीक है। और इसके अलावा इसको सबसे ज्यादा जो है वो गुड मोस्टली तौर पे एंगलिंग की जाती है। एंगलिंग करने के बाद फिर इसको फूड पर्पस के लिए यूज किया जाता है। और अगर हम अदर कॉन्टिनेंट्स की, अदर कंट्रीज की बात करें, तो वहाँ पे हमारे पास जो चाइना है, चाइना का साउथ सेंट्रल नॉर्दर्न एरिया, इसके अलावा हमारे पास रशिया है, ट्रांसलेटेड जो है वो इन यूरोप, यूरोप में हमारे पास जो साउथ एशिया के साथ कनेक्टेड है वो पार्ट आ जाते हैं। इसके अलावा एशिया का जो साउथ ईस्ट और अफ्रीका, अगर आप इसको और इसका कंपैरिजन करें जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये आपको सिमिलर लगेगा एक्सेप्ट पाकिस्तान के, ठीक है। यहाँ पे पाकिस्तान के कोल्डर इन्वायरमेंट्स की भी बात की गई है, बट इसमें पाकिस्तान की बात नहीं है, बल्कि अगर आप अदर कंट्रीज को देखते हैं तो वो आपके पास सिमिलर आते हैं। लाइक आपके पास साउथ, ठीक है, सेंट्रल चाइना है, रशिया है, यूरोप है, एशिया है, और उसके अलावा अफ्रीका है। अगर हम इसमें मॉर्फोलॉजी की बात करें तो मॉर्फोलॉजी में जो हमारे पास हेड और अपर रीजन होता है फिश की बॉडी का, और इसके अलावा जो फिश के डॉर्सल फिन्स होते हैं वो हमारे पास मॉटल्ड होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो है वो रेड और जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं वो मौजूद होंगे। और इसमें जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जो स्मॉल होते हैं, वो मोस्टली तौर पे प्रेजेंट होते हैं। और ये हमारे पास प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, जो कि लैटरल लाइन सिस्टम होता है उसके बिलो हमारे पास जो है वो स्मॉल ब्लैक स्पॉट्स प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा जो वेंट्रल सरफेस होती है हमारे पास बॉडी की, वो हमारे पास ग्रे कलर की होती है, ठीक है। और इसके जो बॉडी होती है वो शॉर्ट होती है, और इसके अलावा स्टाउट लाइक होती है। और इसमें अगर हम लेंथ की बात करें तो जो लेंथ है, इवन यहाँ पे हमारे पास जो डॉर्सल और वेंट्रल एरिया होता है वो कर्व नहीं होता, बल्कि वो हमारे पास जो है वो लेंथ वाइज मौजूद होता है। और इसकी बॉडी जो है वो एज कम्पेयर टू अदर फिशेज के स्मॉल होती है। और ये मोस्टली तौर पे हमारे पास जो कोल्डर एरियाज हैं वहाँ पे जो है वो देखने को मिलती है। और जो बाकी की स्पीशीज हैं जो कि पाकिस्तान में कल्चर की जाती हैं वो वहाँ पे भी आपको यहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है, लाइक रोहू है, मोरी है या थैला है। लेकिन अगर आपको ट्राउट चाहिए तो इसके लिए आपको जो कोल्डर एरियाज है वहाँ से अगर आप परचेज भी करते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे रखने के लिए कोल्ड इन्वायरमेंट ही चाहिए, क्योंकि वो कोल्ड में ही सर्वाइव करती है, ठीक है। इसमें जो मेल और फीमेल जो है वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश किए जाते हैं अपने स्पॉनिंग सीजन की बेसिस पे, ठीक है। जो लोअर जाव होता है वो ट्राइंगुलर शेप का होता है मेल में, ठीक है, और लॉन्गर होता है देन अपर जाव के। लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल में हमारे पास ये केस जो है वो मौजूद है। अच्छा, हम जब इसको मोस्टली तौर पर डिस्टिंग्विश इसी बिना पे करते हैं कि इसमें से मेल कौन सा है फीमेल, सबसे पहले हम स्पीशी को डिस्टिंग्विश करते हैं, और जब स्पीशी को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम मेल और फीमेल के बारे में डिस्कस करते हैं कि अब इसमें से कौन सी स्पीशी जो है वो मेल है और कौन सी जो है वो फीमेल है, या फिर सारे हमारे पास मेल्स मौजूद हैं या सारे फीमेल्स मौजूद हैं, या मेल का नंबर ज्यादा है या फीमेल का नंबर ज्यादा है। इसके अलावा जो मेल हमारे पास होता है वो डार्कर कलर में होते हैं जब स्पॉनिंग सीजन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम फीमेल की बात करते हैं तो उनका कलर ब्राइट होता है एज कम्पेयर टू मेल के। तो इस तरह से जब स्पॉनिंग सीजन हो तो देन हम जो ट्राउट का मेल और फीमेल है वो हम एक दूसरे से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है आपको? यस मैम, किसी का कोई क्वेश्चन? चलें, इसकी मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगी, तो उसमें आपने इसको देख लेना अच्छे से और इसको रीड आउट करना है। और नेक्स्ट फिर जब क्लास होगी तो उसमें फिर इसको डिस्कस भी करेंगे। ओके मैम। चलें, आपकी अटेंडेंस कॉल कर लें। अरीशा फातिमा,
मैम। ठीक है, गुलाम अब्बास, मोहम्मद आतिफ, यस जुहेब हसन। मैम, गुलाम अब्बास की आवाज नहीं आई, लगता है क्लास में नहीं है ये। यस मैम, ओके नेट इशू होते हैं। चलिए, मैं भी आप लोगों को पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, उसको आपने अच्छे से पढ़ लेना है, और फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो देन फिर उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़। ला